नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त के बड़े खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे, जहां वो भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर का दौरा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। बता दें कि सीएम योगी 2 बजे उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे जोधपुर में रोड शो करेंगे। यूपी में पहले चरण में 60.59% मतदान हुआ है। बता दें कि सहारनपुर में सबसे ज्यादा 66.65% और रामपुर में सबसे कम 55.7% मतदान हुआ है। 2019 के मुकाबले करीब 5.9% कम वोटिंग हुई है। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा और 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि आज दोपहर 2 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कुल 51,99,300 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा दौरे पर जाएंगे। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचेंगे। बिरयाकांत जू मंदिर के पास मैदान में प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा करेंगे और कार्यक्रम के बाद आगरा रवाना हो जाएंगे। लद्दाख के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा आज अयोध्या दौरे पर हैं। बता दें कि सुबह 11:25 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद राज्यपाल डॉक्टर बीडी शर्मा ने रामलला के दर्शन किए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज अमरोहा आएंगे और अमरोहा के मिनी स्टेडियम में विशाल जनसभा करेंगे और दानिश अली के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर करीब 2 बजे राहुल और अखिलेश अमरोहा जाएंगे। दूसरे चरण के लिए राहुल अखिलेश की पहली साझा रैली है। इटावा में लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन को लेकर के पुलिस ने कार्यवाही की। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक 200 से अधिक अज्ञात सपा समर्थकों और वाहनों पर केस दर्ज हुआ है। थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया गया है। वही अमेठी दौरे पर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का आज 5वां दिन है। वहीं आज स्मृति ईरानी तिलोई विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक गांवों में पहुंचकर जनसभा करेंगी। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज शाहजहानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि ददरोल विधानसभा के कांठ कस्बे में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे RCMD मैरिज लॉन पहुंचे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन दिनों जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को छुटभैया बताया और कहा कि उनके जैसे हजारों लोग सड़कों पर मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे द लीडर हिंदी के साथ।